अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपसे एक छोटी सी बात करनी है और आज की बात जो है वाकई छोटी सी है और वो ये है कि प्लीज़ प्लीज़ गाइस, आप लड़कियों को रिजेक्ट ना किया करें। आज मेरी फ्रेंड कॉर्पोरेट बैंक में जॉब करती हैं, संडे था, आज उनके घर में रिश्ता देखने के लिए आए। उन्होंने 1.5 घंटा गुजारा, उनके साथ खाया पिया, इंजॉय किया, बातें की, एंड आफ्टर दैट दे सेड कि हमें लड़की पसंद नहीं आई, वो सांवली है। तो आपका बेटा कौन सा हूर पड़ा है? कम ऑन गाइस, कम ऑफ इट। किसी की बेटी को, किसी की बहन को, किसी की भी कज़न को, इस तरह से दोस्त को रिजेक्ट करना बहुत बुरी बात है। आइंदा प्लीज़ आप किसी के भी घर में उस वक्त जब जाएं खाने के लिए, पीने के लिए, बातें करने के लिए, जब आपको 99.9% वो लड़की पसंद आ जाए, क्योंकि दिल तोड़ने से डरें, हर दिल में अल्लाह ताला रहते हैं। और गर्ल्स, इवन यू डोंट नीड कि आप हर एक को जो है ना अपने पेरेंट्स के सामने ऐसी ऐसी शक्ल लेकर जाएं कि जी हमें पसंद कर लें, नहीं करना। तो ना करें, भाड़ में जाएं, आप भी लड़कों को रिजेक्ट किया करें। और बॉयज़ प्लीज़, दिस इज़ फॉर ह्यूमैनिटी, नेवर एवर रिजेक्ट अ गर्ल। बात मजाक की नहीं है, बात सीरियस है। आई नो जिस तरह से मेरी फ्रेंड के साथ हुआ, बहुत सारी लड़कियों का दिल टूटता है। और मेरा ख्याल है शक्लों में कुछ नहीं रखा हुआ, इट्स द नेचर, इट्स द इनसाइड पर्सन, जो इंसान अंदर से होता है वो सारी ज़िंदगी साथ चलता है। आई होप कि आज के बाद आप कोशिश करेंगे कि आपके इर्द गिर्द या आपके घर में किसी लड़की को इस तरह से रिजेक्ट ना किया जाए। एंड एज आई ऑलवेज से, आई लव ऑल माई फैंस।